हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लौकी की सब्जी जो बिना मसाले की बनेगी। चलिए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने लौकी लिया है, इसे हम पहले छील लेंगे अच्छे से। इसका हमें छिलका निकाल लेना है। देखिए, मैं इसका सारा छिलका निकाल दूंगी। लौकी की सब्जी बहुत ही हेल्दी होता है और इसे बनाना भी बिल्कुल आसान है। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताती हूँ सब्जी बनाना। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, हमने इसका दोनों साइड का पार्ट काट के निकाल दिया, मैं धो लिया है। धो के मैं देखिए किस तरह से काटती हूँ, मैं आपको काट के दिखाती हूँ। मैंने इसका आधा पार्ट कर दिया है काट के अलग, और बीच से फिर मैं काट देती हूँ इसको। अब इसे हमें पतले पतले पीसेस में काटना है। हमें इसे ज़्यादा मोटा नहीं करना है, क्योंकि मैंने इसमें मसाले के बगैर ही मैं सब्जी बना रही हूँ, तो हमें इसे बिल्कुल बारीक पतला काट के तैयार करना है। मैं आपको काट के दिखा रही हूँ किस तरह के पीसेस हमें काटना है। इसे देखिए, हमें इसे बिल्कुल बारीक काटना है। ऐसे ही हम सारे लौकियों को काट के और तैयार कर लेंगे। हमने सारे लौकियों को काट लिया है। देखिए, हमें ऐसे ही पीसेस चाहिए। मैंने इसे बिल्कुल छोटे पार्ट में काटा है। हमने 4 से 5 लहसुन लिया है, उसे मैंने बारीक काट लिया, और हरी मिर्च उसे भी मैंने काट लिया है, और 1 प्याज है उसे भी मैंने काट लिया था। और एक कढ़ाई में हमने तेल डाल के गर्म कर लिया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरे को हल्का सा फ्राई होने के बाद इसमें हम लहसुन जो काट के रखें वो डाल देंगे, और इसे हल्का सा फ्राई होने देंगे। इसके बाद हम हरी मिर्च डाल देंगे। लहसुन फ्राई हो गया है, अब इसमें हम हरी मिर्च डाल देते हैं। इसे भी हल्का सा फ्राई होने देंगे। लहसुन और हरी मिर्च फ्राई हो गया है, अब इसमें हमने जो प्याज काट के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। हमने प्याज को डाल दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से चला लेते हैं और हल्का सा इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। इसे हमें हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाना है। इसको हम चलाते ही रहेंगे, नहीं तो प्याज नीचे जल जाएगा। देखिए, ये अब हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं प्याज के साथ, ताकि हल्दी हमने जो डाला है वो कच्चा ना लगे। इसे हमें प्याज के साथ ही फ्राई कर देना है। इन सबको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हमने जो लौकी काट के रखा है वो हम इसमें डाल देते हैं। लौकी को डाल के और इसे हम चला लेंगे। जो प्याज हमने काटा है, इसमें नमक हल्दी हमने डाला था, वो लौकी में मिक्स हो जाएगा, और नमक की वजह से इसको गलना है, तो इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसे हम 5 मिनट तक ढक के लो फ्लेम पे पकाएंगे। हमें गैस के फ्लेम को हाई नहीं करना है, इसे हमें लो पे ही पकाना है। हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, तो बिना पानी के ही इसको हम बनाएंगे, तो इसलिए हमें गैस का फ्लेम लो करना है। और इसे हम ढक के फिर पकाते रहेंगे, और ऐसे बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। इससे लौकी अच्छे से पकेगी। देखिए, हमने इसमें कोई मसाला नहीं डाला है, बगैर मसाले की ही हम सब्जी को बना रहे हैं। तो इसे आप पूरी, पराठे, फिर दाल चावल, आप किसी भी चीज़ से खाइए, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा और ये हेल्दी भी होगा। तो ऐसे ही हम चलाते बीच बीच में इसको चला चला के और सब्जी को पकाएंगे। देखिए, लौकी अच्छे से गल गई है, सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो सब्जी हमारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप भी बना के ट्राई कीजिएगा।
प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।